हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला ऑयल रिमूविंग पंप के बारे में, जो 15 लीटर के टीन के डिब्बे आते हैं इसमें से ऑयल रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और आज के टाइम पे जो कि 15 लीटर के ऑयल के डिब्बे सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू एक एक लीटर के सनफ्लावर हो गया, जो भी घर पर ऑयल यूज़ करते हो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। 30% का डिफरेंट आपको देखने को मिलता है आप एक साथ में 15 लीटर का लेते हो, पर वो डिब्बे में से ऑयल रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ऑनलाइन पर मुझे ये पंप देखने को मिला, तो कंप्लीट इसका मैं रिव्यू शेयर करूँगा और इसे यूज़ करके भी बताऊंगा। तो ये मैंने अमेजन से परचेस किया 149 का, अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है। सेम ये पंप कोई 200-299 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का प्लास्टिक में रैप होके आएगा। कंप्लीट आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाता है, इधर भी आपको स्टेनलेस स्टील है, इधर भी स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज किया गया। ऑनलाइन पे बहुत सारे डिफरेंट पंप भी है, पर वो वाले स्टेनलेस स्टील बहुत ही हल्का वाला यूज किया गया, जिसमें क्रैक वगैरह डेंट वगैरह, पर इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नीचे के साइड में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इधर से ऑयल सक होता है जो भी अंदर जाता है, उसके बाद में फिर इसे हम इस तरह खींचते हैं तो सारा ऑयल ऊपर आता है और इधर से रिमूव होता है। वो इधर आपको कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है, इधर सामने आपको एक नॉब ढक्कन जैसा भी देखने को मिलेगा, तो कभी भी आप यूज नहीं करो तो इसे पैक कर सकते। और फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करोगे तो इसे एक बार ओपन करके क्लीन कर लीजिए। इधर से आप टर्न करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, इधर आपको एक बैरिंग जैसा देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी एक बैरिंग जैसा देखने को मिलता है, जो कि प्रेशर को बाहर नहीं जान देता है जब हम तेल निकालते हैं। तो इसको आपको एक बार पानी वगैरह में पंप करके चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से। स्टार्टिंग में जब करोगे तो 2-3 बार आपको ऊपर नीचे खींचना है, उसके बाद में वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद में इसे ऑयल में यूज कीजिए। ऑयल में यूज करने के पहले इसे प्रॉपर तरीके से पूरा सूखने दीजिए, उसके बाद में ऑयल में आप यूज कीजिए। तो चलो इसे मैं अब यूज करके भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा मेरा 15 लीटर का टीन का डिब्बा, तो इसमें से ऑयल निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अंदर हो गया या फिर कोई भी दूसरे कंटेनर के अंदर हो गया, सारा ऑयल इधर अगल बगल लग जाता है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं इसे ओपन। सो अब मैं इसे डायरेक्ट इसके अंदर डाल देता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं अंदर के साइड में कितना आपको तेल देखने को मिलेगा। तो अराउंड आप देख सकते हो, तो यहां तक आपको ऑलमोस्ट ऑयल देखने को मिल जाएगा, तो हाफ से ज्यादा अंदर ऑयल है। और ये जो पंप है ये भी अराउंड आपको 15 लीटर तक का देखने को मिल जाता है। इधर मैं आपको दिखा देता हूं हाइट बाहर से, तो जिससे कि पता चल जाए ऑलमोस्ट नीचे तक पूरा का पूरा आपका चले जाता है। तो इसे मैं करता हूं इसके अंदर और ये देख सकते हो हमने अंदर डाल दिया है। तो ये देख सकते हो इस तरह हमारा ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है और ये आपको एकदम पास में करीब रखना है। फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे, उसके बाद में फिर तो आपको हैबिट हो जाएगी। और जितना आप इसे ऊपर करोगे उतना ये फास्ट ऑयल निकलेगा, तो जस्ट विद इन सेकेंड में आपका पूरा का पूरा डिब्बा 2 लीटर 1 लीटर का जितने का भी है वो आराम से फटाक से फिल हो जाएगा। तो इससे कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाता है। तो ये देख सकते हो हमारा ऑयल टीन में से निकल गया, तो बहुत ही काम इजी और सिंपल हो गया। सो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसके बारे में बता दिए। डिटेल में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 149 का, अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है। सेम ये कोई 200-299 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.